सो हे गाइस, मेरे पास यहाँ पे एडिडास का बॉक्स और इसमें है एडिडास शूज। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं इसका बता देता हूँ। यहाँ शूज यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आर्टिकल नेम है एडिडास और यहाँ पे आर्टिकल कोड है यहाँ पे GC1065 और यहाँ पे जेंडर ये मेल है। यहाँ पे देख सकते हो UK 7 में, और इसका प्राइस कुछ ज़्यादा ही दिया है। ये 2000 रुपये में आपको मिल जाएगा, अभी अवेलेबल है। और यहाँ पे साइज़ आप देख सकते हो 25.5 सेंटीमीटर, और कंट्री ओरिजिनल इंडिया में बना है, मेड इन इंडिया शूज़ है। तो ये बॉक्स है, तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग रिव्यू करते हैं। और आप इस वीडियो पूरा देखना तो आपको ये शूज़ बहुत पसंद आएगा, और इसका पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो आप देख सकते हो सिंगल वीडियो में ही मैं आपको पूरा इसका रिव्यू करके बताऊँगा। तो आप देख सकते हो ये शूज़ है, तो इसके अंदर ये निकाल लेते हैं अपन। तो आप देख सकते हो इस शूज़ का यहाँ पे कोड, यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने कोड बताया ये वही, और यहाँ पे UK 7 है, और ये वॉशिंग केयर यहाँ पे दिया है, आप पढ़ लेना पॉज करके। तो बहुत अच्छा शूज़ है ये इसका सोल देख सकते हो आप। सोल की बात करते हैं सबसे पहले, तो रेड कलर का सोल है पहले, तो इसमें चार कलर आपको देखने को मिल जाएंगे, ये चार कलर। और इसका सोल में एडिडास लिखा हुआ है यहाँ पे, और सामने से आप देख सकते हो यहाँ पे है ना, ग्रिप के लिए यहाँ पे यूज़ किया है। तो यहाँ पे ग्रिप के लिए बहुत ही ज़्यादा ये हार्ड मटेरियल यूज़ किया है, रनिंग शूज़ है, लेकिन ये है ना प्रेस हो रहा है, तो ये बहुत आपको कंफर्टेबल देगा। और बीच में जो वाइट वाला पोर्शन है ये कुशनिंग के लिए आपको काम करेगा, जो आपके नीज रहेंगे उनके लिए। और ये जो रेड वाला मटेरियल जो रबड़ यूज़ किया, बहुत हार्ड यूज़ किया, मतलब आप आवाज़ से ही पता कर सकते हो। यहाँ पे इसमें ग्रिप के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स कोट्स दिया है, और ये कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ एडिडास लिखा हुआ है, और दोनों में मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा ग्रिप आपको देखने को मिलेगा, बहुत अच्छी ग्रिप है इसमें। और उसके बाद अपन इसके ऊपर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इसमें टंग में यहाँ पे एडिडास लिखा हुआ है, जैसा आप देख सकते हो। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बुनाई होती है वैसा वाला यहाँ पे मटेरियल यूज़ किया है, जिससे है ना आपके जो पैर है उसमें बिल्कुल भी गर्मी हो इस स्वेट है वो नहीं आने देगा, पसीना बिल्कुल भी नहीं आने देगा आपके पैरों में, क्योंकि इसमें ना एयर सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा मटेरियल यूज़ किया है। और यहाँ पे इसमें टंग में भी वही मटेरियल यूज़ किया है, यहाँ पे एडिडास लिखा हुआ है। और इसके अंदर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे मेड इन इंडिया लिखा है, इसका कोड दिया है जो मैंने आपको बताया सब। आप देख सकते हो इसके अंदर एडिडास और अर्थोलाइट का यहाँ पे सोल दिया हुआ है, तो बाहर निकाल लेते हैं। तो ये एडिडास का ही है, तो आप देख सकते हो ये कितना सही है। इसे प्रेस करता हूँ तो इससे आपको ये नीज़ और जो पैर है उसको कुशनिंग मिलता है, और ये बहुत अच्छा यहाँ पे सोल बनाता है अर्थोलाइट। तो आप देख सकते हो इसके अंदर कुछ ऐसा दिखेगा आपको। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया इसकी टंग में यहाँ पे मेड इन इंडिया शूज़ है, तो आप मेड इन इंडिया शूज़ लीजिए, इंडिया में ही बन रहा है। और इसके लेसिस की बात कर लें तो लेसिस भी आपको ग्रिप वाली मिल जाएंगी, जैसा आप देख सकते हो ये आसानी से खुलेंगी नहीं एक बार करने पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर डिज़ाइन में यहाँ पर वाइट कलर का यहाँ पर मटेरियल लगाया हुआ है, और यहाँ पर लेसिस के वहाँ पर ब्लू कलर का, बहुत प्यारा शूज़ है। यहाँ पर एडिडास के 3 यहाँ पर लोगो वाला स्क्राइब यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे ब्लैक कलर का यहाँ पे एक दिया, और पीछे यहाँ पे एडिडास लिखा हुआ आपको मिल जाएगा ग्रे कलर में, लाइट ग्रे कलर में। और यहाँ पे पूरा ऐसा जो बुना हुआ रहता है वो कपड़ा यहाँ पे यूज़ किया, जो रनिंग में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा सपोकेशन में, आपको पैर में ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी, हवा अंदर बाहर होती रहेगी। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो सोल के यहाँ पर इसका पोर्शन देखिए कितना यहाँ पर मोटा यहाँ पे पोर्शन है, और यहाँ पे है ना ऐसी लाइंस दी है, जैसा आपको दिख रहा होगा ऐसी यहाँ पे लाइंस दिया, जो है ना ग्रिप में आपको बहुत काम करेगी, ग्रिप आपका बनाए रखेगी। सोल इसका बहुत ही ज़्यादा बेस्ट सोल लगा मुझे, एडिडास के जो शूज़ रहते हैं उनके सोल बहुत प्यारे रहते हैं, और कहीं से भी अनफिनिश नहीं लग रहा लगेगा, बहुत फिनिश प्रोडक्ट है। 2000 रुपये प्राइस, नीचे लिंक है वहाँ से बाय कर ही लेना। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा यहाँ पर लग रहा है, और सामने से मैं आपको दिखा दूँ तो सामने से कुछ ऐसा दिखता है ये, तो एक बार मैं इसे ट्राई करके भी आपको बताऊंगा। लेसिस कितने अच्छे हैं, रेड कलर में एडिडास लिखा हुआ है, 5 कलर इसमें देखने को मिल जाएंगे आपको, तो सामने आप देख सकते हो ऐसा। और यहाँ पे 2 यहाँ पे ब्लैक कलर की यहाँ पे लाइंस दी है, तो आप देख सकते हो। और इसके पीछे भी आप देख सकते हो एडिडास लिखा है, यहाँ पे सोल ये प्रेस हो रहा है, ये आपके पैर को कुशनिंग देगा,
जैसा कि मैं आपको बताऊँ, ये प्रेस हो रहा है और ये प्रेस नहीं होगा, ये प्रेस हो रहा है, तो पैर को आपको कुशनिंग तो अच्छी मिलेगी। और यहाँ पे अर्थोलाइज का यहाँ पे सोल लगाया हुआ है, तो आपको और दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए एक बार ट्राई करके मैं इन शूज़ को आपको बताता हूँ, उसके बाद आप देखना कैसे क्या लगते हैं। सो गाइस, अभी ये शूज़ अवेलेबल है, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप बाय कर सकते हो। अभी अवेलेबल चल रहे हैं शूज़, और फिर जब अनअवेलेबल हो जाएंगे, सोल्ड आउट हो जाएंगे, फिर ये शूज़ वापस अवेलेबल होना बहुत मुश्किल रहता है। आजकल कंपनियाँ शूज़ बहुत लिमिटेड बना रही है, तो आप इन्हें ले सकते हो, नीचे लिंक है, वहाँ से ज़रूर बाय कीजिए। और सो गाइस, ये शूज़ को मैंने आपको पहन के दिखाया, और बहुत लाइट वेट शूज़ है, 200-250 ग्राम इनका वेट होगा, ज़्यादा ज़्यादा 300 होगा। मैंने इन्हें मतलब मेजर नहीं किया, लेकिन बहुत अच्छा लगा, और इनका ग्रिप बहुत प्यारा है, बहुत बिल्कुल भी छनेगा नहीं है ग्रिप, बहुत अच्छा ग्रिप लगा मुझे, बहुत हार्ड ग्रिप है इसका, और अंदर बहुत ज़्यादा, देखिए कितना फ्लेक्सिबल है, मुड़ रहा है, और अच्छा शूज़ है। आप इसे पहन के किसी भी स्पोर्ट में यूज़ कर सकते हो, और अगर आपने देखे ही है कि मैंने पहना, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो नीचे लिंक है, वहाँ से बाय कर लेना, और ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ। और अगर आपको कोई शूज़ रिव्यू कराना हो, तो मुझे कमेंट्स में आप उस शूज़ का कोड या नाम लिख दीजिए, मैं उसे रिव्यू करने की पूरी कोशिश करूँगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, मिलती है दूसरी वीडियोज़ में, पीस।